दानी था, इतना दानी था कि उसने ना अपने राशन का मतलब दान पुण्य का टाइम बांध रखा था कि आठ सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक, अगर 10 की घड़ी एक सेकंड ही ऐसे ही तो वो हाथ वाला जो रखा हुआ दान है ना वो भी वापस रख लेता, देता नहीं है, उसका टाइम था। रोज दान करता था, रोज दुनिया इसकी वाहवाही इसकी करती है कि भाई महाराज जी तो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, बहुत दान देते हैं। एक बार साधु आया उसके घर से, साधु थोड़ा 2 मिनट लेट हो गया तो कह रहे बाबा मेरे को ना ऐसे झोली बना रहे, बाबा मेरे को ना बांध दो लक्की को, कह रहे हैं तो मेरा दान का टाइम निकल गया, कह रहे कुछ भी दो, अब मैं तो आया हूँ खाली तो जाऊँगा नहीं, जो है तुम वो दे दो, कह रहे मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, कह रहे मेरा टाइम है, कह रहे कुछ टाइम का हो 2 मिनट तो, कह रहे नहीं गुस्से में आया उसने तो अपने जहाँ दान करता था उसको ताला लगा दिया और उसने क्या करा, घोड़े बंधे रहते थे घोड़े की लीड उठाई और साधु के उसमें डाल दी, झोली में डाल दी और बोला रात दुगनी दिन चुगना हो, ये बोल के दे दिया। साधु ने अपने मिट्टे में लगाया और चला गया, चला गया तो अब वो कुटिया में रहता था जंगल में, कुटिया में तो वो क्या उसने एक बार बोला मंत्री को कि मंत्री आज मेरा मन करे मैं ना बाहर सैर करके आऊँ देखूँ भाई मेरी प्रजा ठीक है खुश है, नहीं है मैं तेरा दान करता हूँ, रो रहा है। तो वो कहते मंत्री कहते ठीक है चलो मैं भाई चलता हूँ, ये दोनों रथ पे गए, रथ पे जाते 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 तो उसी जहाँ झोपड़ी थी साधु बाबा की उस झोपड़ी में पहुँच गए, पहुँच गए तो देखा तो भाई पहाड़ी पहाड़ बने हुए, पहाड़ी पहाड़ कह रहे हैं यहाँ तो कोई जानवर नहीं कुछ नहीं, इतने पहाड़ कैसे बने हुए। तो उसने मंत्री को कहा रख लो के वो गया तो देखा तो 30 तारीख से पड़ेगी, तो कह रहे बाबा कह रहे महाराज जी आप आज मेरी कुटिया तो पवित्र हो गई, आज महाराज जी मेरे को कुछ प्रश्न करूँ आप मेरे को बताओगे, तो साधु बोला बोलो महाराज आपका हुक्म मेरे तलाकों पे, कह रहे यहाँ तो कोई जानवर भी नहीं है, पर ये लीटों के ये इतनी लीट है ये क्या है ये पहाड़ बने हुए हैं। तो वो कहता है भाई ना महाराज जी आपने पूछ लिया इसलिए बताता हूँ, नहीं तो मेरा फर्ज नहीं था ये बताने का, ये चीज आपकी दी हुई है, कहीं मेरी दी हुई कहीं आपकी दी हुई है, अरे मैंने कब आपको याद कई कई साल पहले मैं तेरे से दान लेने आया था तो तुमने मेरे को दान में तेरा टाइम था 8 से 10 बजे का, तो वो उसके राजा उसके पैरों में पड़ गया भाई ये मैं क्या करूँ मेरे से तो बहुत बड़ी गलती हो गई, तो कह रहे भाई ये ना अब तो मैं कुछ नहीं कर सकता, कह रहे अब इसका क्या करना करेंगे तो तेरे को खानी पड़ेगी, कह रहे तो मैं पता नहीं कितने जन्म हूँ तभी भी खत्म ना हो ये, तो फिर उसके साधु के पैरों में पड़ गया कि बाबा आप बताओ भाई इसका कोई हल बताओ, कहने मेरे को इसका कोई हल पता नहीं, फिर उसके पैर दूसरे कहते मैं हाथ जोड़ता हूँ आपको मेरे को बताओ इसका हल बताओ भाई कैसे करना है, तो कह रहे हैं ठीक है मैं तेरे को एक उपाय बताता हूँ अगर वो उपाय तू कर लेता है तो ये लीड कम हो जाएगी, अगर वो तू नहीं कर सकता तो ये लीड में तो कई जन्म लगे भी ये खानी पड़ेगी तेरे को, तो कहते बाबा बता भाई मैं वो काम करूँ, तो वो क्या करता कहता है जो दुनिया में तू दान करता है जो दुनिया तेरे से दान लेती है तेरी वाह वाह करती है तेरी पूजा करती है अगर वो ही तेरी निंदा करे चुगली करे तेरी बुराइयाँ करे जितनी बुराइयाँ होंगी उतनी लीड कम होती जाएगी, तो कहता है ऐसे तो कोई नहीं करेगा सबको मैंने दान देखा है सबकी नज़र में तो मैं बहुत अच्छा हूँ, करे मेरी ये तेरे ऊपर देख लो तो हर जन्म तेरे को खानी पड़ेगी उंगली से, फिर भी बहुत सोचता फिर कहता है ठीक है मैं कोई ना कोई घर जाके देखता हूँ, घर जाके इसको एक दिमाग में बात आ गई, कह रहे साधु बाबा ने बोला भाई जो ये दुनिया तेरे से दान लेती है वो दान अगर सब बुराइयाँ करे तो ये समझो लीड कम होगी, वो बैठे बैठे पूरी रात सोचता है सुबह उठ जाता है जल्दी नहा धो जाता है फिर वो जाता है किसी पंडित के घर, पंडित पंडित के घर जाता है पंडित भी खुश हो जाता है कि आज राजा आए हमारे घर में इतने दानी वानी भाई राजा मेरा तो घर ऐसा हो गया पवित्र स्वर्ग हो गया, कह रहे भाई मैंने किसी काम से आया हूँ, तो राजा कह रहे वो पंडित कह रहा है ऐसा कैसा काम है तू पंडित के पास है तू तो दानी है दान करने वाला है मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, अरे कुछ भी हो ना हो मेरे को सिर्फ 2 घंटे के लिए अपनी लड़की दे दो, तो वो पंडित पंडित गुस्सा हो जाता है महाराज जी ये क्या बोल रहे हो आप ये तो तुम पाप उठा रहे हो अपने पर, आप मेरी लड़की कह रहे हैं मेरी लड़की जवान है, कह रहे तेरी लड़की मेरी लड़की है जैसे तेरी बेटी है वो मेरी बेटी है, भाई बस इतना मेरे को 2 घंटे के लिए दे दो और मैं थोड़ा जो उसको सारी बात बताई भाई ऐसे ऐसे लीड इकट्ठी होगी, तो वो पंडित समझ जाते हैं कि थोड़ा परेशान में महाराज जी आए, करे ठीक है महाराज जी लेकिन ऐसी वैसी कोई बात नहीं होनी चाहिए मुझे दुनिया को मुंह दिखाना है,
कह रहे नहीं कोई नहीं होगी ऐसी बात। फिर हाथ में ऐसे रथ पे बैठता है, सुबह सुबह ऐसे हाथ लड़की को डालता है, पहले लड़की से बोलता है कि तू मेरी बेटी है, मैं तेरी शादी करवाऊंगा, तेरे कन्यादान मैं करूंगा, सब कुछ बोल के ना उस लड़की को ऐसे हाथ डालता है और हाथ में कोका कोला लेता है पीने वाली, अब थोड़ा वो उसको देता है लड़की को हाथ में, लड़की थोड़ा उसको खिलाती है, फिर उसको गले में हाथ डालता है, वो ऐसे घूमता घूमता तो दुनिया बोल भाई रे कैसा महाराज है ये, तो छोटी सी लड़की को लेकर घूम रहा है भाई, ये तो गलत है महाराज। ये ऐसे जैसे लोगों में बुराइयां होने लगी, लीड अपने आप थोड़ी थोड़ी कम होने लगी। अब राजा ने देखा कि पूरे उसमें चक्कर लग गए, अरे अब तो मैं कम हो गई होगी, वो घर गया, उसे पंडित से आशमा बमा मांगी लड़की को भी, तो गया साधु बाबा के पास, देखा तो लीड के पार कम है ही नहीं, तो कह रहे हैं वो खुश हो गया महाराज। तो राजा कह रहे भाई ये तो बहुत हो गया, उसके साधु के पैर छूके, भाई बाबा आपने तो बहुत बढ़िया मेरे को पैर बताया था, और कह रहे जो ये लीड है ये क्या ये क्यों नहीं हुआ थी, ये लीड भी तो कम होनी चाहिए थी। कह रहे तुझे पूरी दुनिया में सब में तेरी बुराई करी, एक मैं ही तो रह गया, मैंने तेरी बुराई नहीं करी, क्यों करूँ बुराई, ये लीड तेरे को खानी पड़ेगी। राजा कहते मैं राजा और ये लीड मैं क्यों खाऊँ भाई, इंसान थोड़ी कोई लीड खाएगा, ये तो जानवर ही खा सकता है या कुछ बन सकता है। कह रहे नहीं ये लीड तो तेरे को खानी पड़ेगी। फिर राजा उसके साधु बाबा के पैरों में पड़ गया कि नहीं बताओ अब इसका भी, और कह रहे इसका हल नहीं बताऊँगा मैं, कह रहे नहीं इतना बताया थोड़ा और ही बता दो उसमें, तो कह रहे ठीक है मैं उपाय बता देता हूँ आपको, इसको लीड को ले जा अपने महल में, उसे एक साफ जगह पे जला दे, जला के एक उसमें डाल दे डब्बे में, रोज सुबह उठो उसको ऐसे टीका लगा और थोड़ी काटता जा, तो तेरी वो खाक ही खत्म हो जाएगी। तो पंडित महाराज जी ने ऐसा ही करा, सभी तभी कहते हैं कोई भी दान दो ना सोच समझ के दो, ताकि आगे हमें कुछ ऐसी दुख न प्राप्त हो। बस पानी का ये बोलो ना बोल रही माता की।